शादी की मस्ती, चलो दोस्तों। आज हम आए अभी यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज पे, यहाँ पे मैं अभी बताने वाला हूँ प्राइस से पीस। ओके, बहुत से लोग ने क्या मिसकंसेप्ट करते हैं कि इसमें ने क्या चेस्ट के ऊपर पूरा प्रेशर दे देते, भाई ऐसा नहीं करना होता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन ये होती है, आपके एल्बो दोनों पास में ऐसे रहने चाहिए, तो पास में पूरे एल्बो लेने हैं एंड एक्सटेंशन करना है। अब मेरे हाथों में ताकत है करके, ठीक है, तो जिसको ताकत नहीं है तो फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम क्या करो, हाथों को यहाँ पे टाइट पकड़ लो और यहाँ से जंप कर लो, जंप करके ऊपर आ जाओ, दोनों पैरों को फोल्ड कर लो, ठीक है, और ये शोल्डर जो होगा इलिवेट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा इलिवेट, इधर यहाँ पे लॉक, लॉक करने के बाद में सीधा आपको ऊपर देखना है, ठीक है, ऊपर देखने के बाद में सीधा नीचे जाना है, एल्बो जब तक आपका नीचे नीचे नहीं जाता तब सीधा नीचे जाओ, यहाँ तक गए अप, ठीक है, उसके बाद में फिर से नीचे जाओ अप। अब गलतियाँ, ये तो हो गया अभी ट्राइसेप, गलती क्या करते हैं हम तो लड़के रहेगा, बहुत से रहेगा बोलते हैं कि ट्राइसेप डीप चेस्ट के लिए होता है, एक्चुअली चेस्ट के ऊपर कब जाता है, जब आप डीप जा रहे हो चेस्ट के ऊपर, तो डीप में जाना है जब तक आपका एल्बो यहाँ तक आता नहीं है 90 डिग्री तक, तब तक आपको वहीं पे रखना है, उसके बाद में आपको एक्सटेंशन करना है, जैसे कि अभी यहाँ से अभी जंप करके गया मैं ऊपर। अब गलती क्या करते हैं वो देख लो, ऐसे अगर नहीं हो रहा तो उसके ऊपर कर सकते हो, उसके ऊपर आसानी से नहीं हो जाएगा, ठीक है, दोनों हाथ ऐसे रख दो, पुशअप कर लो, कैसे करना है सिंपल फिंगर है, यहाँ पे ऐसे पकड़ लो, यहाँ पे रहने दो, एल्बो सीधे डाउन अप, सीधे डाउन अप। अब ये हो गया चेस्ट के लिए, अब इसमें आपको ट्राइसेप के लिए करना है, तो ट्राइसेप के लिए करना है तो कैसे करोगे, यहाँ तक ही जाएगा एल्बो क्लोज एंड अप, एल्बो क्लोज एंड नीचे गए तो चेस्ट आएगा, शोल्डर इससे होगा, ऊपर आए तो इसके लिए पुलस, ठीक है, ये पुलस बार, ये पुलस बार। अब पुलस बार के ऊपर सबसे जरूरी चीज़ है दो ग्रिप होती है, वाइड ग्रिप क्लोज ग्रिप, वाइड ग्रिप बोलने के बाद में कैसे हो जाएगा, दूर हाथ जाएगा, और क्लोज ग्रिप टाइट ग्रिप, तो कौन सा ग्रिप पहले बताओ, क्लोज ग्रिप, चलो एज अ बिगिनर हो तो क्लोज ग्रिप ही करो, पहली बार कर रहे हो कभी नहीं किया है तो ही करना है, नीचे कितना आना है कितना ऊपर रहना है वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी यहाँ तक आपका हाथ जाता नहीं है, तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, थोड़ा सा जंप लेना है और जंप लेके ऊपर जाना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये रहा क्लोज ग्रिप का एंगल, बहुत से बच्चे ऐसे शोल्डर को छोड़ देते हैं यहाँ पे नीचे, ऐसे नहीं छोड़ना है, तो इसको क्या करना है एलिवेट करना है लाइक दिस, और फिर यहाँ से दोनों पैर निकल मोकल एकदम ओपन छोड़ दो एंड अप एंड डाउन, पूरा नीचे नहीं आना है, पूरा नीचे अगर आ गए खत्म था, ऊपर नहीं जाओगे, तो थोड़ा सा बेंड रखो एंड सीधा दोनों हाथों से टच करो, और जब तक आपका चीन यानी कि आपकी जो शेव होती है वो टच नहीं होती है तब तक आपको क्या करना है ऊपर जाना है, ठीक है। चलो वन बाय वन अभी एक एक आ जाओ, यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे,
बहुत सही बहुत सही बहुत सही। यहाँ पे अभी वर्कआउट कर रहे हैं भाई हम, यहाँ पे देखिए वर्कआउट के लिए बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, सही से यहाँ पे लेके वर्कआउट हो जाता है। यहाँ पे आदित्य मंथन बहुत सही कंटिन्यू कंटिन्यू भाई। तो यहाँ पे वर्कआउट अच्छा होता है ना, है कि नहीं? बहुत सही, चलो गो 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 प्रेम, ट्राई कर ट्राई कर ट्राई कर, शाबाश भाई, चलो गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, ट्राई कर, खत्म काम, कोई बात नहीं, हाथ थक रहे हैं ना, कीप टाइट, एल्बो एल्बो, थक गए भाई, आराम से आराम से आराम से, चलो चलो प्रसाद हो गया, उसमें अभी नहीं क्या ऑस्ट्रेलियन पुशअप्स करना है, ऐसे पकड़ लो उसको, जाओ वहां पे चलेंगे, ठीक है। अभी जो एक्सरसाइज करेंगे इसको कहते हैं पुल ओवर, ठीक है, पुल ओवर या फिर इसको ऑस्ट्रेलियन पुशअप के पुलअप भी कहते हैं। तो पुलअप क्या होता है, हम सीधा करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बार पे किया था, ठीक है, अभी करेंगे ऑस्ट्रेलियन पुलअप। सो ऑस्ट्रेलियन पुशअप पुलअप के लिए आपको थोड़ा वाइड एंगल लेना है, वाइड ग्रिप, कभी भी ग्रिप पकड़ते हुए ये पकड़ना है, ठीक है, ये पकड़ लिए और चेस्ट यहाँ पे रख दो, दोनों पैर आगे बार के, देखिए ये बार यहाँ पे दिख रहा है आपको स्ट्रेट, यहाँ से अंदर लेना है, ठीक है, कितना अंदर, जितना भी आप आगे जा सको, ठीक है, ये मेरे लिए सफिशियंट है। अभी मैं जाऊंगा यहाँ पे नीचे, यहाँ पे छूट दिया है, ऐसे छोड़ना नहीं, हिप को अप ही रखना है, हिप ऐसे नीचे नहीं, हिप यहीं पे रहेगा और यहाँ से पुल अप टू दिस कर, जैसे ही नीचे जा रहे हो आज का व्लॉग का हमारा यहीं तक ही था, आज हमने वर्कआउट किया, कैसे लगा आप लोगों को वर्कआउट बता दीजिए, अच्छा लगा खाना सीखने को मिला, ओके तो यहाँ तक ही हम लेके थे और एक बार मिल लीजिएगा, सो थैंक यू सो मच, चलो मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, बाय। सो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ घर पे, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगा और ब्रेकफास्ट के बाद में फिर नहीं कहीं करूँगा। सो चैनल को नहीं क्या मेरे सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही साथ नहीं क्या आपने कि बेल आइकन को भी दबाई, यानी कि नोटिफिकेशन मेरा आता रहेगा, और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे बनाए। सो थैंक यू सो मच।